सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है इस बैठक से आम आदमी को राहत की खबर मिल सकती है। वहीं पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार की भी बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे आसार हैं कि बीजेपी शासित राज्यों को वैट घटाया जा सकता है। गौरतलब है कि कर्नाटक चुनाव के खत्म होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ रही है। माना जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक में तेल की कीमतों को कम करने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि वह आम आदमी को राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बता दें, पेट्रोलियम मंत्री मंगलवार को ही बैठक करने वाले थे, लेकिन बाद में इस मीटिंग को टाल दिया गया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरआई 24 न्यूज़, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।